हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किटन को फर्स्ट टाइम अपने घर में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये आपका किटन है। बहुत ही ध्यान से हमें फर्स्ट टाइम, अगर आप फर्स्ट पेट ओनर हो तो आपको बहुत ध्यान से इसे उठाना है और धीरे धीरे आपको इसको होल्ड करना है और मसाज करना है उसके फोरहेड पे। इससे वो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करने लग जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके और उसकी बॉन्डिंग होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो मैंने यहाँ पे कुछ टॉयज़ लिए थे जो मैं उसको उससे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। आपको भी सेम चीज़ ही करनी है। ये टावर ऑफ ट्रैक्स है, ये हमारे शॉप में भी अवेलेबल है। आपको अगर ये चीज़ ऑर्डर करनी है तो आप मुझे DM कीजिए इंस्टाग्राम पे। ये बहुत ही रीजनेबल है। ये एक और एक टॉय मैंने लिया है उसके लिए। इसमें एक स्क्रैच पैड भी है जिसमें वो अपने नेल स्क्रैच कर सकता है और इसके अंदर एक माउस है जो रोटेट होता है। कैट्स और किटन्स को टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो कोशिश कीजिए आप जैसे भी कैट्स खरीद रहे हो उसको सबसे पहले आप एक्टिविटी में डालिए, क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो ज़्यादातर सोएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो किटन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है जो कि वो सारी चीज़ों से खेल रहा है। ये फेदर स्टिक है एक्चुअली। सो इससे भी बहुत ज़्यादा किटन्स खेलते हैं, तो आपको भी सेम चीज़, ये तीन चीज़ें तो आपके पास कंपलसरी रहना चाहिए। अगर आप किटन लेते हो तो ये तीनों चीज़ आप पहले ऑर्डर कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। बॉल्स उनको काफ़ी पसंद होते हैं, तो मैंने यहाँ पे टावर ऑफ ट्रैक्स के ही बॉल्स उसको खिलाने के लिए दिए हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है किटन इतना ही, जितना आपको वीडियो में एक्टिव दिख रहा है इतना ही एक्टिव रहना चाहिए। थोड़ा सा भी डल अगर आपको किटन दिखता है तो प्लीज़ अपने वेटर, किटन इतना ही प्लेफुल रहना चाहिए। एक्टिविटी में उसकी कोई कमी नहीं आना चाहिए। जितना एक्टिव किटन रहेगा उतने कम चांसेस उसके बीमार होने के होते हैं। और आप कभी भी अगर किटन कोई भी अडॉप्ट कर रहे हो या आपने कहीं से लिया है तो हमेशा 2 मंथ्स ओल्ड किटन ही लीजिए। अब मैं इसे ट्रीट्स दे रही हूँ ताकि इसकी बॉन्डिंग मेरे साथ थोड़ी बन जाए। तो ये क्रीमी स्टिक्स हैं, अवेलेबल कोई भी शॉप में नॉर्मली अवेलेबल हो जाती है। और जो भी आपके पास ट्रीट्स रहे आपको हमेशा याद रखना है, जैसे अभी मैंने पूरा प्रोसीजर किया है वैसे ही आपको सेम करना है। किटन को सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद से, टॉयज से, उसके बाद आपको उसको ट्रीट्स देनी है और खाना देना है। सो मैंने एक ट्रे लिया है जिसकी हाइट काफ़ी छोटी है। आपको भी यही करना है क्योंकि किटन इतने जल्दी थोड़ी बड़ी हाइट पे चढ़ेगा नहीं। ये कैट लीटर है, सो मैं ये ट्रे को कैट लीटर से पूरा फिल कर दूंगी, जो कि ये 1 वीक चल जाएगा मेरे को। तो आपको भी सेम करना है। मैंने काफ़ी हद तक के इसको फिल कर दिया है, मैं इसे अच्छे से प्लेन कर दूंगी। ये स्कूपर है, वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। एक्चुअली मैं वीडियो नहीं ले पाई थी और लिटर काफ़ी अच्छा है जो कि सो ऐसे क्लम बन जाएगा। आपको सेम ऐसे ही उठाना है। अब ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये नॉर्मली आप इसको पूरा प्लेन कर दीजिए पहले जितना भी उठा के, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा मैंने फिल नहीं किया था, जस्ट 1 वीक का किया है। तो 1 वीक को मेरे को चलाना है, तो इतने नॉर्मल अगर ये गीला भी हो जाता है तो इट्स ओके, ये थोड़ी देर में सूख जाएगा अपने आप। सो अब आप इसको पूरा प्लेन कर दो एंड नाउ लिटर इज ऑल क्लियर। सो वो नेक्स्ट अब उसको फिर यूज़ कर सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद